वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा इम्पोर्टेंट MCQs फॉर द बायो मॉलिक्यूल्स। तो बायो मॉलिक्यूल्स टॉपिक जो है ये कंबाइन टॉपिक है, तीनों में ही आ जाता है, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री में। तो ये तीनों में ही आपके हेल्प करेगा। तो आई विल ट्राई टू डिक्टेट क्वेश्चन विद यू, क्योंकि आज इसमें क्वेश्चन थोड़े कम हैं, तो थोड़ा फास्ट सेशन होगा, तो काइंडली इसके साथ पूरा कोऑपरेट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबस्ट्रेट कंबाइन मोर रेडली विद द एंजाइम बिन। इसका आंसर आएगा KM इज लो। ये आपने मैथलिस मेंटिस इक्वेशन जो है वो देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, डैट इज़ इसमें 1/KM आ जाता है Vmax। तो जितना इन्वर्सल फैक्टर कम होगा, उतनी जो इसकी वेलोसिटी है पार्टिकल कोलाइड करने की रिएक्टर मॉलिक्यूल की एंजाइम के साथ, उतनी बढ़ जाती है। तो इसलिए सही ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर टू, एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। कैसे करते हैं, चेंजिंग द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम चेंज करते हैं बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपको पता था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, 1 turn of BDNA duplex span a distance, कितना होता है, 3.4 nanometer। क्वेश्चन नंबर फोर, फेलिंग सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ये रिड्यूसिंग शुगर में आता है, बाकी सारे नॉन रिड्यूसिंग है। ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ द माइक्रो न्यूट्रिएंट, डेट इज़ द मैगनीज। क्वेश्चन नंबर सिक्स, DNA एंड RNA आर सिमिलर। DNA RNA में क्या सिमिलर है, वी हैव आर न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर, सभी न्यूक्लियोटाइड के बने हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर सेवन, अमीनो एसिड एसेंशियल इन ह्यूमन, ह्यूमन का एसेंशियल क्या है, फिनाइल एनालिन, इनमें क्या है ये, फिनाइल एनालिन। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट में है ए पेप्टाइड बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन, किसमें बनता है, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड डैट विल बी बिटवीन द 1 and 3। 1 and 3 क्या है, यहाँ 1 number कार्बन, ये आ गया 3 number नाइट्रोजन वाला सिस्टम, यहाँ दूसरे अमीनो एसिड का एक्सचेंज होगा, यहाँ आ गया NH2, इसके साथ कार्बन होगा, ये यहाँ कार्बन 3 number का इसके साथ एक्सचेंज होकर बॉन्ड बनता है, डैट इज़ द पेप्टाइड बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड अकर इन लिपिड, दे आर द 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 10, एसिडो हेप्टोलोज मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होंगे, 7, हेप्टो मतलब 7। आयोडीन टेस्ट किसके लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, ATP क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 13, सेलुलोज किसका बना हुआ है, ग्लूकोज का, आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 14, ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर, गन्ने की जो शुगर होती है उसमें क्या मिलता है आपको, ग्लूकोज फ्रक्टोज, उसमें शुक्रोज होती है, शुक्रोज मेड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड क्या है, आर्जिनिन, इन चारों में क्या है, आर्जिनिन। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है, ए। क्वेश्चन नंबर 16, इन फ्रूट्स सच एज भिंडी म्यूसिलेज सब्सटेंस होता है, चिपचिपा सब्सटेंस, उसको क्या कहते हैं हम, ये आप देख सकते हो, यहाँ आपका है क्वेश्चन नंबर 16 में ये ऊपर आंसर दिया, देखिए इसमें होगा आपका गलेक्टोज एंड मैनोज, ऑप्शन सी, ए एंड बी। 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग, शुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग। 18, ATP वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लोहमान, ए ऑप्शन। विच फॉर्म ऑफ RNA हैज़ ए स्ट्रक्चर रिजेम्बलिंग क्लोवर लीफ, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होता है tRNA का, क्लोवर होता है आपका लॉन्ग, उसके पत्ते का। क्वेश्चन नंबर 20, द फॉलोइंग रेशियो इज जनरली कॉन्स्टेंट फॉर गिवन स्पीसीज, C upon G C plus G upon A plus T, ये चार फ्रूल है, ग्वाइनिन प्लस साइटोसिन अपॉन एडिनिन प्लस थायामिन, ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम, एंजाइम की इनहिबिशन मैकेनिज्म, जब वो काम करना बंद कर देता है उसको इनहिबिशन कहते हैं, या किसी अदर सबस्टेट या एनालॉग से रोकी जाती है, तो क्या स्टेटमेंट सही है, इसमें बी सही टिक किया है, दैट इज़ अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन सीन व्हेन द सबस्टेट एंड इनहिबिटर फॉर एक्टिव साइट दोनों एक जगह के लिए कम्पीट करते हैं, यानी एक्टिव साइट में दोनों ही फिट हो सकते हैं, अगर इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी सबस्ट्रेट से तो इनहिबिट हो जाएगा, सबस्ट्रेट होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ द 2 different एंजाइम, कैसे कंपेयर करते हैं दो एंजाइम की एक्टिविटी को, बाय द KM वैल्यू, कंसंट्रेशन मैक्सिमम वैल्यू, मैथलिस मेंटल इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने बताया आपको। 23, एंजाइम विटामिन एंड हार्मोन को क्लासीफाइड इन सिंगल कैटेगरी, किसमें कैसे कर सकते हो,
बायोमोलिक्यूल में रखा गया क्यों? दे हेल्प इन रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म सिर्फ बायोलॉजिकली प्रोसेस है। पैराफिन वैक्स क्या है? एक एस्टर है। उसके बाद आता है 95.98% मास ऑफ द एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कंपोज ऑफ जस्ट 6 एलिमेंट। इसमें है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और लास्ट में क्या आएंगे आपके? फॉस्फोरस एंड सल्फर। ये ज़्यादा है 98%। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? ये है फैटी एसिड, मॉडिफाइड फैट्स हैं। 27 में है कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज की मेलोनेट से होती है, ये इसका इनहिबिटर है। 28 एग्जाम्पल ऑफ द फीडबैक इनहिबिशन दैट इज़ द सी, इसको एलोस्टेरिक कहते हैं, दैट इज़ हेक्सोकाइनेज बाय ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है हेक्सोकाइनेज को कम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है। इसमें क्या आता है? जो एंड प्रोडक्ट होता है, जो एंड प्रोडक्ट बनता है, कंसंट्रेशन वो एंजाइम की एक्टिविटी कम कर देती है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जैसे बढ़नी शुरू हो जाएगी, एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है। 29 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज़ नॉट ए डाइसक्राइड, दैट इज़ द डी ग्लूकोज। उसके बाद आता है 30 अमाउंट ऑफ द यूजेबल एनर्जी विच इज़ अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क वेन द टेम्परेचर एंड द प्रेशर आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिस्टम, उसको क्या कहते हैं? फ्री एनर्जी। क्या कहते हैं इसको? फ्री एनर्जी। फीडबैक इनहिबिशन कैसे इफेक्ट होती है? बाय द एंड प्रोडक्ट, ये मैंने ऊपर बता दिया आपको। आगे आता है 32। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में चूज़ द करेक्ट नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। इसमें है गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, ये कोई भी प्रोटीन नहीं बनाता। रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन किसका बना है? ग्लूकोज का, अल्फा ग्लूकोज का। द प्रोटीन पार्ट ऑफ द कंजुगेटेड एंजाइम दैट इज़ द सी एपोएंजाइम। 34 35 ह्यूमन परसेंट ऑफ द बॉडी वेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिपिड एंड प्रोटीन कितना परसेंट कॉपाई करता है? डेट इज़ द 1:15:17। नेक्स्ट आता है 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच, इसमें रॉन्ग कौन सा है? एंजाइम जो है लिपोपोलिसक्राइड, ये रॉन्ग है। 37 एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन डेट इज साइनाइड एक्शन ऑन द साइटोक्रोम। नॉन कम्पिटिटिव एक परमानेंट इनहिबिशन होती है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी बंद हो जाती है, तो साइनाइड खाने से एकदम सफोकेशन हो जाती है, फिर से एंजाइम एक्टिविटी नहीं होती, जितना मर्जी जोर लगा दे इमीडिएटली डेथ हो जाती है, क्योंकि जो एंजाइम परमानेंटली ब्लॉक हो जाते हैं, इसको कहते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्वेश्चन नंबर 38 राइबो शुगर इज़ प्रेजेंट इन, राइबो शुगर किस में है? आरएनए एंड एटीपी में, ऑप्शन बी। 39 में देखिए एंजाइम डेट कैटलाइज द इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकली ज्योमेट्रिकल एंड पोजिशनल आइसोमर, क्या है एंजाइम इसका? आइसोमरेज नाम उसका, ऑप्शन डी। 40 विच इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन मोस्ट ऑफ सेल, ग्लूकोज, ऑप्शन ए, सबसे ज़्यादा सभी सेल में ग्लूकोज होता है। 41 लॉक एंड की जो मॉडल है एंजाइम एक्शन का, ये पर्टिकुलर एंजाइम कैसे बताता है? मे बी डिस्ट्रॉयड एंड रीसिंथेसाइज सेवरल टाइम, इसका ये मीनिंग है। 42 इफेक्टिवनेस ऑफ एन एंजाइम इज अफेक्टेड बाय दैट इज़ द ओरिजिनल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऑप्शन सी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ऑलरेडी कम होगी तो एंजाइम जल्दी काम करेगा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो एंजाइम को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। 43 में है डीएनए न्यूक्लियोटाइड आर अटैच्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन ए। टेबल शुगर कौन सी है? शुक्रोज, जो गन्ने से मिलती है। 45 इट इज सेड द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट ऑफ द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट दैट इज द अर्थ क्रस्ट आर सिमिलर, यानी नॉन लिविंग क्रस्ट में और ह्यूमन में सेम एलिमेंट्स हैं, तो मेजर एलिमेंट प्रेजेंट इन बोथ, देन व्हाट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप, चूज द करेक्ट आंसर, क्या डिफरेंस है इनमें? दैट इज़ ऑप्शन सी, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पर यूनिट मास देन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, इसमें कंपोजिशन ज़्यादा प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, ये ऑप्शन इसका 45 का क्या सही आया? सी, मैनी एलिमेंट्स डैट आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर फ्री और इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। 46 में क्या नहीं होता लिविंग ऑर्गेनिज्म में? सिलिकॉन, सिलिकॉन लिविंग में नहीं होता कंबाइन फॉर्म में। 47 में अमीनो एसिड्स एज द नेम सजेस्ट हैव बोथ माइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है दोनों होते हैं इसमें,
तो इन एडिशन टू ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड आर कॉल्ड, जैसे एल अमीनो एसिड है, फ्रॉम दिस यू कैन गेस फ्रॉम विच कंपाउंड कैन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज मेड। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड किससे बने होंगे? मिथेन ग्रुप से। तो मिथेन सिंपलेस्ट है, मिथाइल इससे सिंपलेस्ट बनेंगे। 48 में रीड करिए अपने आप, तो इसका सही ऑप्शन है जिबरिटियन आयन फॉर्म। जे भी अमीनो एसिड के बारे में ही बताया हुआ है, जब उसको करते हैं हाइड्रोलाइसिस होती है तो अमोनियम आयन बनता है और कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, तो डेट इज़ अ जिबरिटियन आयन। इसमें यानी एम्फोटेरिक नेचर है, पॉजिटिव नेगेटिव सेम है। 49 शुगर आर टेक्निकली कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट रेफरिंग टू द फैक्ट डैट देयर फार्मूले आर ओनली मल्टीपल ऑफ CH2O। ठीक है, हेक्सोज हैव 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन, ग्लूकोज इज हेक्सोज। तो क्या अदर एग्जाम्पल है हेक्सोज की? डैट इज़ द फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक हेक्सोज है। एडिथोज में 4 होते हैं आई थिंक, राइबोज में 5 होते हैं, रिबुलोज में भी 5 होते हैं, हेक्सोज में 6 होते हैं। 50 When you take cell or tissue piece and grind them, cell tissue system लेके आप उसको grind करते हो with an acid in bottle pestle, ठीक है, acid के साथ, all the small molecule dissolve हो जाते हैं, protein, polysaccharide, nucleic acid insoluble हैं in the mineral acid और वो उसके precipitate बन जाते हैं। तो acid soluble component इसमें से कौन से हैं? amino acid, nucleoside, small sugar। When one add phosphate to the nucleoside, get another acid soluble biomolecule। अगर आप nucleoside में क्या होता है आपका नाइट्रोजन वेस्ट होता है और उसकी शुगर होती है, ठीक है, यानी बेस प्लस शुगर जो होती है वो nucleoside, अगर उसमें phosphate मिला दे तो न्यूक्लियोटाइड बनता है NTS, तो इसमें क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन डी। बहुत सिंपल है, DNA में आपने पढ़ा होगा। 51 When we homogenize any tissue in an acid, the following soluble pool represent, क्या होता है इसमें? साइटोप्लाज्म, जो सोलबल होता है। 51 का ऑप्शन है ए। 52 में है मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेट इज द वाटर, ऑप्शन बी। 53 में है होमोपोलीमर हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक, होमोपोलीमर में बता दिया आपको, एन रिपीटिंग यूनिट होते हैं, हेट्रोपोलीमर में एक से ज़्यादा हो सकते हैं, प्रोटीन और हेट्रोपोलीमर है अमीनो एसिड के। बिन वाइल न्यूक्लिक एसिड DNA एंड RNA जो हैं इसमें 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो प्रोटीन में कितने तरह के अमीनो एसिड होते हैं? 20 टाइप मोनोमर, 20 अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, बाकी तो हज़ारों अमीनो एसिड होते हैं बॉडी में, बट प्रोटीन बनाने वाले कितने होते हैं? 20। इसका ऑप्शन क्या आ गया? 53 का ए। 54 प्रोटीन परफॉर्म मैनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल सम फंक्शन एज एंजाइम, प्रोटीन एंजाइम भी है। वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एडिशनल फंक्शन, क्या है प्रोटीन का? हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन भी है। ग्लाइकोजन इज होमोपोलीमर, किसका है? ग्लूकोज यूनिट, ए। 56 नंबर ऑफ एंड इन द ग्लाइकोजन वुड बी, कितने होंगे एंड में? इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रांच प्लस 1, ये आपने याद कर लेना, ए। 57 ए प्योर प्रोटीन शुड नॉर्मली, क्या होते हैं? 2 एंड, प्रोटीन के कितने एंड होते हैं? 2, सी एंड एन पता ही है। 58 एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट, पता ही है, दे कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन इन जर्नल, दे रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी पता है। मैनी फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस आर एंजाइम कंट्रोल्ड, एंजाइम से होती हैं। सम एग्जांपल ऑफ एंजाइम मीडिएटर रिएक्शन दी हुई है, तो इसमें से रॉन्ग कौन सी है जो एंजाइम से नहीं होती? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई भी एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी जितने भी हैं ये सारी एंजाइमेटिक हैं। 59 तो 58 का ऑप्शन क्या बन गया? डी। 59 में 3 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम जो है करेक्ट है, एक गलत है, बताइए कौन सी है? ये देख लेते हैं, इसमें जो मैंने टिक किया है, मोस्ट ऑफ एंजाइम आर प्रोटीन व्हाट सम आर लिपिड, एंजाइम में कोई भी लिपिड नहीं होता, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, जे कोटेशन मैंने कई बार आपको बताई है, सही ऑप्शन क्या बनता है? बी। तो बी ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी इस तीनों सही है। 60 फिगर एंजाइम की एक्टिविटी बता रहा है यहाँ पे, और इसमें 4 ABCD टिक किए हैं, तो इसमें सही क्या है? ए आपका आ जाएगा इसमें, डैट इज़ द ट्रांजिशन स्टेट। बी आ जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ सी आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी, डी आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, सी है एंजाइम के बिना एक्टिवेशन एनर्जी, सी की वैल्यू ज़्यादा डी की कम है, तो बहुत आसान है ये। 61 विच इज़ ट्रू फॉर ATP, ATP एक को एंजाइम है, ऑप्शन डी।
62 प्यूरीन में नाइट्रोजन कहाँ होती है? 1379 नंबर कार्बन के ऊपर, चार जगह कार्बन का रिंग जो है उसमें आपके क्या बनेगी? नाइट्रोजन। काइटन क्या है? नाइट्रोजिनेशियस पॉलीसेक्राइड, ऑप्शन बी। 64 विच वन इज़ द डाई अमाइनो डाई कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड, डेट इज़ द लाइसिन, यानी दो इसमें एसिड ग्रुप हैं, दो इसमें अमाइनो है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, इसका मीनिंग ये है, ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज को फैक्टर ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, दैट इज द जिंक, जिंक होता है इसमें, ऑप्शन बी। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंजुगेटेड प्रोटीन, पेप्टोन, बी। 67 मोस्ट अबंडेंट मिनरल ऑफ एनिमल बॉडी, दैट इज द कैल्शियम, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल सब यूनिट ऑफ डीएनए, कैल्शियम क्यों बताया? क्योंकि हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं ह्यूमन में, तो हड्डियों में ज़्यादा कैल्शियम ही होता है। 68 का ऑप्शन क्या है? डी, न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के मोनोमर होते हैं। 69 में क्या है? नाइट्रोजेनियस बेस प्रेजेंट इन द डीएनए, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। पता ही आपको, ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड होते हैं साइटोसिन के, एडिनिन के डबल बॉन्ड होते हैं टी के साथ, एंटी पैरेलल सीक्वेंस। 70 एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है? इसमें सही ऑप्शन है वैलिन एक एसेंशियल है, टायरोसिन एक क्या है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में यहाँ बताया हुआ है। सो स्टूडेंट दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड टॉपिक्स फॉर द बायोमोलिक्यूल्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मेरा ट्यूटोरियल है अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वंस अगेन आई एम स्क्रॉलिंग डाउन दीज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और आई हैव पार्टिसिपेटेड विद ऑल 70 एमसीक्यूज, क्योंकि आज थोड़े क्वेश्चंस कम थे, तो क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराना मेरा टॉपिक है आपको प्रोवाइड करवाना, ताकि अच्छे से प्रेपरेशन हो। तो उसी वजह से कई बार बोलने में दिक्कत होती है, वीडियो और भी ज़्यादा लेंथी हो जाता है। बट कई मैंने ऐसे प्रीवियस वीडियो डाले हैं, अगर आप मेरे मेंबरशिप में ज्वाइन होगे तो आपको सारे शो हो जाएंगे, तो आपको वहाँ शो हो जाता है ज्वाइन ऑप्शन पर जाके। तो वेरी वैल्यूएबल लेक्चर दीज आर, आई हैव प्रिपेयर्ड विद माई फुल डेडिकेशन and I am sincerely thankful to all of you that you devoted your precious time to me. So thanks for your motivation and I wish you best of luck for your exam that should be cracked. So thank you for your participation. Once again thanks for watching this video. So video achha laga ho to please like share kar dena, channel subscribe nahi kiya to subscribe karke bell icon press zarur kar dena, ताकि आने वाले यूज़फुल वीडियो आपको मिल सके। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं तो अभी एमसीक्यूज़ का प्लान ले सकते हैं एट कन्वीनियंट प्राइस फॉर बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, एंड होपफुली अगर पोस्टपोन हो गया तो आप नोट्स भी ले सकते हो, आपको और टाइम मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।